धर्मनगरी हरिद्वार से उत्तराखंड चार धाम यात्रा मई से प्रारंभ होगी। वही जगह जगह गंदगी का अंबार, स्थानीय सक्रिय गलियां कूड़े में मलमूत्र से भरी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार की सफाई व्यवस्था को व सक्रिय गलियों की सफाई की मांग को लेकर उत्तराखंड विकास मंच के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में रामाघाट, कुशा घाट, हनुमान घाट, पुरानी सब्जी मंडी, नरसिंह भवन की गली, विष्णु घाट, हर की पौड़ी मार्ग इत्यादि क्षेत्रों की गलियों की सफाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव संयुक्त रूप से पत्र लिखकर युद्ध स्तर पर सभी सक्रिय गलियों की सफाई धुलाई की मांग दोहरा रहे हैं। वहीं जनता भी इसका काफी रोष कर रही है। वहीं जनता में भी इसे लेकर काफी रोष देखा जा रहा है। देखिए, आपने वास्तु स्थिति देखी है। ये हरिद्वार का मुख्य मार्ग है। ये मोती बाजार है जो हर की पौड़ी का सीधा सीधा मार्ग है। और आप देख सकते हैं कि कई सालों से ये सक्रिय गलियां जो हैं साफ नहीं हुई हैं। और मैं समझता हूं कि आसपास के लोग जो हैं वो बीमारी ग्रस्त हैं, 100% बीमारी ग्रस्त हैं। एक तरफ शहर के अंदर राजनीति हो रही है सफाई को लेकर, और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि इस गली का क्या हाल हो रखा है और आसपास रहने वाले लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। जहां स्वच्छता अभियान की बात की जा रही है, मैं समझता हूं सिर्फ वो भी जो है कागजों में सिमट रहा है और बंदर बाट हो रही है, क्योंकि जो नाला गैंग है उस नाले गैंग को ठेका दिया जाना चाहिए था अब तक। मैं समझता हूं कि आप देख रहेंगे कि किस प्रकार से इसका बुरा हाल हो रखा है। और ये मुख्य मार्ग है हर की पौड़ी पर जाने का, जिस प्रकार से लोग यहाँ पर जो हैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस बात को लेकर। मैं समझता हूँ कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर जो है शहर की जनता को जो है दुखी कर रहे हैं, शहर की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि MNA महोदय इसे संज्ञान को लें। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मई और जून अभी चार धाम यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई है, अभी चार धाम यात्रा शुरू होनी है अगले महीने से। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गलियां जो है भरी पड़ी हैं कूड़े से, कई ट्रक कूड़ा यहां पर भरा पड़ा है। सीवरेज जो है सीधा बाजार में आ रहा है, बाजार से गंगा जी में जा रहा है। तो मैं समझता हूं नमामि गंगे तमाम ये योजना है सब पे फलिता लग रहा है। और आपके आप क्या करेंगे, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हम तो जनता के सेवक हैं। अगर ये, मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर अंदर ये गलियाँ साफ नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आमरण अनशन भी किया जाएगा, धरना भी किया जाएगा और अपनी बात को बुलंद किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल न्याय संगत बात है। हमारे साथ साथ मौलिक अधिकार हैं, जनता के साथ मौलिक अधिकार हैं, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, पेयजल, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सात मौलिक अधिकार जनता को मुहैया कराने का काम मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधियों का होता है और सिस्टम का होता है। कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है। संजय चोपड़ा जी ने बताया आपको गंदगी का यहाँ बहुत बुरा हाल है। गंदगी के कारण ये तो अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, मच्छर देखो घरों में कैसे हो रहे हैं, सारी गलियां भरी पड़ी हैं बुरी तरह से। और ये जो है MNA हो, आपके जो मेयर हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, जिनके पास जाओ वो दूसरे के ऊपर बात को करके छोड़ देते हैं। इनका कोई दायित्व नहीं बनता कि आप पार्षद हैं यहाँ के, जिता करके भेजते हैं किस लिए, यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए इतनी तमाम गंदगियाँ हो रखी हैं कि यहाँ पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे पार्षद हो चाहे सांसद हो। हमने तो सबको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, इसलिए भेजा है कि हमारी सड़कें, हमारे यात्रियों को सुविधाएं मिले, हमें सुविधाएं मिले। लेकिन इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर छोड़ करके MNA के पास जाओ वो करने को तैयार नहीं, सिटी मिनिस्टर के पास जाओ वो करने को तैयार नहीं, जिसके पास मर्जी जाओ वो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देता है। यहाँ पे कोई करने को तैयार नहीं है काम का, जबकि सफाई जल्दी से जल्दी चाहिए। यहाँ पर यात्रियाँ शुरू हो चुकी है, यात्रा सीजन इस वक्त मनसा देवी हर की पौड़ी फुल यात्री चल रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह सफाई के बारे में नहीं है।